हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल या प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड का कैसा होता है, एक बिलिंग साइकिल होती है 1 से 30 तारीख की, समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी ये बिलिंग साइकिल है, 30 तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाता है, जो भी आपने खर्चा किया है 1 से 30 तारीख के बीच में। 30 तारीख को जो बिल जनरेट होता है उसके बाद 10 दिन 15 दिन की आपको टाइम मिलता है। उस 10 दिन 15 दिन में आपको जो भी बिल जनरेट हुआ आपका, वो आपको पेड करना पड़ता है, करेक्ट है। बट आज मैं आपको एक ऐसे कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो क्रेडिट कार्ड जैसा ही है, या मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से बढ़ के है, बट उसके अंदर फैसिलिटी जो भी आप खर्चा करते हैं वो 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। मतलब कि मान लीजिए आपने 300 रुपये का कुछ खरीदा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने 300 रुपये का कुछ खरीदा, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको जो है 30 तारीख के बिलिंग साइकिल में वो लग जाता और डायरेक्ट आपको पे करना पड़ता। बट ये कार्ड ऐसा है, आपने मान लीजिए 300 रुपये का कुछ खरीदा, वो 300 रुपया 3 महीने में स्प्लिट हो जाएगा, वो 3 महीने की EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा, 300 रुपये आपने खर्च किया, पहले महीने में 100 रुपया भरने आया, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 100। मान लीजिए आपने 30 रुपये का ही कुछ खरीदा तो आपको 10 रुपये पहले महीने में भरने आएगा, दूसरे महीने में 10, तीसरे महीने में 10। तो ऐसा आप ये ऑटोमेटिकली इस कार्ड में फैसिलिटी है और ऐसा आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको कुछ भी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हर एक ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली 3 पार्ट में ये डिवाइड कर देता है खुद ब खुद। और अगर आपको ये ट्रांजैक्शन 3 पार्ट में, मतलब आपको EMI में पे नहीं करना है, तो आप इसको डायरेक्ट 1% कैशबैक के थ्रू ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 300 रुपया खर्च किया और 300 रुपया आपको 3 महीने में स्प्लिट नहीं करना है, 3 महीने की EMI में नहीं डालना है, तो आप इसको जो है एक ऑप्शन आता है पे इन फुल करके, अगर आपको पे इन फुल कर देते हैं उस ऐप के थ्रू तो आपको जो है 1% का कैशबैक भी मिल जाता है। मतलब के 300 रुपये पे 3 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा, ये आप याद रखिए। तो फुल पे करना है तो 1% का कैशबैक भी मिल जाएगा, ये बात आप याद रखिए। और आज हम बात कर रहे हैं यूनि कार्ड की। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है और मैं 4-5 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज ये मेरा 4 से 5 महीने का जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ इस कार्ड की मदद से। अगर मैं जहाँ पे कुछ खर्चा कर देता हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा अमाउंट है, और इसको मैं 3 महीने में स्प्लिट कर दूँ, अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता तो उस पर मुझे ब्याज लगता, वो ये नो कॉस्ट EMI पे नहीं होता है, उस पर ब्याज लगता और अलग से ट्रांजैक्शन फीस अलग, अलग से GST अलग। बट इस कार्ड के थ्रू, इस यूनि कार्ड के थ्रू मुझे वो सब ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली EMI में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है और आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो आप आसानी के साथ इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लेना, चेकआउट कर लेना। मैं जब सितंबर अक्टूबर के लगभग शायद मेरा एक जब कार्ड आया था, तो जैसे ही मेरे पास कार्ड आया था, मेरे पास एक बाकायदा बॉक्स आया था, उसके अंदर चॉकलेट्स थी। ये यूनिक कार्ड की अच्छी कुछ यूनिक चीज़ लगी मुझे, मार्केटिंग का इनका तरीका काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैं यूनिक कार्ड आया था मेरा, उस टाइम का ये अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वेलकम किट है, उन्होंने जो भेजा था उसी में मेरा कार्ड भी था, ये कार्ड मैंने लिया हूँ। और अभी देखिए, उसके अंदर मुझे चॉकलेट मिली, एक किचन मिला, और उस टाइम पे कोरोना का टाइम था तो एक अच्छा मास्क मिला जो कि अच्छी क्वालिटी का था। तो इनकी जो काफ़ी मार्केटिंग का तरीका है काफ़ी अच्छा है। जब मैंने पहला बिल पे किया इसका 1 महीने बाद, तो मुझे अलग से अलग एक चॉकलेट का डब्बा आया। वो डब्बा काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी पसंद आया और बहुत सारी उसमें चॉकलेट्स थी। जो दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक बिल पे किया तो यूनिक कार्ड वालों ने मुझे उसके लिए एक चॉकलेट का डब्बा भेजा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारी ये बादाम की चॉकलेट है और भी काफ़ी सारी इसमें चॉकलेट्स थी, और एक जो है छोटा सी वेलकम किट जैसा ही कार्ड मिला वापस अगेन मुझे। तो इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी मुझे पसंद आई और ये पाउच मिला कार्ड का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यूनिक कार्ड का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में आना है, यूनिक कार्ड द पे 1/3 कार्ड ये ऐप डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और अभी हम इसको ओपन करते हैं।
तो देखिए अभी ये ऐप ओपन हो रहा है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पूरी इसकी ब्रांडिंग आ रही है आपके सामने कि आप 1/3 पे करो, अगर आपको एक साथ पे करना है तो 1% का कैशबैक, या आपके EMI को 6, 9, 12 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर पैसा लगेगा, ब्याज लगेगा। तो चलिए गेट स्टार्टेड पे मैंने टिक किया। मोबाइल नंबर अभी हमको यहाँ पे डालना है, तो मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे आके टिक करना है जो मैं एरो में शो कर रहा हूँ। तो चलिए अभी मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे यहाँ पे OTP आ जाएगा, OTP वेरीफाई होगा, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए ये तीन जो प्रोसेस है हमको कंप्लीट करने हैं, एलिजिबिलिटी, KYC के और गेटा कार्ड। गेटा कार्ड मतलब फाइनल, अगर हमारा KYC और एलिजिबिलिटी अप्रूव हो गया तो हमें गेटा कार्ड मतलब कार्ड आसानी के साथ मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले वर्चुअल कार्ड मिलता है। सबसे पहले हमारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होगी, फिर हमारा KYC कंप्लीट होगा आधार कार्ड के थ्रू, फिर उसके बाद हमें कार्ड मिलेगा। और इसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है अभी फ़िलहाल के लिए 0 है, आगे चल के हो सकता है ये लोग 500, 1000 या 2000 रुपया चार्ज भी करें। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं अभी हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए अभी मैं इस पर टिक करता हूँ, नीचे आके यहाँ पर आके आपको टिक करना है। चलिए अभी मैं टिक कर दिया हूँ। अब चलिए यहाँ पे कुछ डिटेल है जो कि हमें भरना है। तो जैसे कि दोस्तों ये कार्ड सब सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए सबसे पहले आपका mail ID आपको डालना है और आपका पिन कोड डालना है। पिन कोड से पहले वो वेरीफाई करेगा कि आपकी सिटी मतलब आपकी सिटी के लिए कार्ड अवेलेबल है या नहीं है, पहले वो चेक करेगा। अगर आप एलिजिबल है और लेकिन फिर भी आपकी सिटी में वो कार्ड मतलब ये कार्ड नहीं दे रहा है ये कंपनी, तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए हम mail ID और पिन कोड डाल दिए हैं तो हमारी सिटी में अवेलेबल है। तो अभी हमको पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, तो अभी हम वो एंटर कर रहे हैं। पैन नंबर आपको एंटर करना है, आपको पैन नंबर के हिसाब से नाम और डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम वो भी ऐड कर लेते हैं, और जो आपके पैन कार्ड में है वैसे ही आपको एज इट इज़ ये ऐड करना है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो चलिए अभी जैसे आप एंटर करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। आपका जेंडर जो ऑब्वियसली लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, वो आपने चूज़ किया। हम आगे बढ़े, मैरिटल स्टेटस आपको लेना है, आप शादीशुदा है या नहीं है वो चूज़ करना है आपको। तो चलिए हम ले लेते हैं, नेक्स्ट किया हमने। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, कहाँ जॉब करते हैं, सैलरी वाले हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, वो चूज़ करना है आपको। चलिए हम चूज़ कर लेते हैं, जैसा भी आप आपके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। ये कार्ड जो है स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है वैसे, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलिए अभी आ रहा है कि आपको जो है 20 से 50,000 रुपये तक की लिमिट मिल सकती है, और आपको जो है 1/3 कार्ड मतलब 2 महीने के EMI मिलेगा। मुझे जो है 1/3 का मिला क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया, ये मैं किसी दूसरे का अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको 2 महीने का मिलता है मतलब 1/2 का। और इसमें जो है लेकिन जिसको 1/2 का मिलता है अगर वो फुल पे करता है उसको 1.5% का कैशबैक मिलता है, ये बात याद रखिए। और मैं फुल पे करता हूँ तो मुझे 1% का मिलता है। तो चलिए अभी ये एलिजिबिलिटी स्कोर चेक कर रहा है जो कि अप्रूव हो चुका है और एलिजिबल है वो कार्ड के लिए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, KYC कंप्लीट करते हैं। नीचे जो बटन है स्टार्ट KYC फॉर पे 1/2 कार्ड मतलब अगर अपने को चाहिए तो इसकी KYC अभी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी मैं नीचे टिक किया, नीचे टिक करने के बाद आधार कार्ड के थ्रू मुझे KYC कंप्लीट करनी है। तो अभी देखिए मैं अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे वो बता रहा है कि आधार कार्ड आप अपना हाथ में रखिए और उसकी कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी होगी, उसके हिसाब से हमारी KYC कंप्लीट होगी। तो चलिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है, तो जैसे कि आधार कार्ड का नंबर, कैप्चा, और उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं डिटेल डाल देता हूँ। डिटेल डालने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पे टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे आपको आधार की तरफ से मतलब ऑथेंटिकेशन आएगा, उसका OTP आ जाएगा आधार कार्ड का, वो आपको डालना है यहाँ पे। चलिए अभी हम डाल देते हैं। वेरीफाई होने के बाद आधार 4 डिजिट का जो है पासवर्ड आपको सेट करना है आधार कार्ड का। अगर सिक्योर नहीं है तो सिक्योरिटी मांगता है, चलिए हम कर लेते हैं सिक्योर, ताकि आधार का डेटा लीक ना हो, ये इनक्रिप्टेड होता है, सब सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पे, इन शॉर्ट फ़ोटो खींचनी है या उसको सेल्फ़ी बोल दीजिए, सेल्फ़ी लेनी है। चेहरे पे आपके ना ग्लास होना चाहिए या ना कुछ टोपी वगैरह होनी चाहिए, आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए, आप ऐसी सेल्फ़ी लेना। तो चलिए अभी ये एड्रेस पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है कार्ड डिलीवरी का, आधार कार्ड के हिसाब से है
या फिर अगर आपको नया एड्रेस डालना है, मान लीजिए आधार कार्ड पर अलग एड्रेस है, आप अलग जगह रहते हैं, तो वो भी इसमें ऑप्शन है, वो अलग जगह डिलीवर्ड होगा। तो एंटर एड्रेस पे हम आएंगे, ये आधार कार्ड का एड्रेस शो कर रहा है, अगर आपको इसी एड्रेस पे चाहिए तो वो चूज़ कर लीजिए, और आपको नया एड्रेस चाहिए तो आप नीचे देख के न्यू एड्रेस आप जो है डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, आपके हिसाब से है, आप देखिए आपको क्या जमता है। तो चलिए मेरे हिसाब से मैं चूज़ कर लेता हूँ अभी, और मैंने एड्रेस चूज़ कर लिया हूँ मेरा, नीचे आके टिक किया मैं, जो नीचे आप देख रहे हैं मार्क, हाँ इसको मैंने टिक किया। टिक करने के बाद अभी मैं सबमिट केवाईसी कर रहा हूँ, तो चलिए अभी सबमिट कर देता हूँ मैं। ये देखिए अभी ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और ये किसी दूसरे का मैं कर रहा हूँ आपको बताने के लिए आप लोगों को। ये जैसे ही प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो देखिएगा, अगर आपका ये फ़िलहाल देखिए ये और केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, तो जो भी है आपको एक कॉल आएगा यूनिकार्ड की टीम से, या हो सकता ना भी आवे, वो कॉल आया तो आपको जो है आपकी डिटेल्स बतानी है, अगर वो लोग वहाँ से ही उनके एंड से वेरीफाई कर लेते हैं तो भी ठीक है। तो जैसे ही वेरीफाई होगा आपको गेट अ कार्ड का एक ऑप्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में तीन ऑप्शन बताया था, गेट अ कार्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और वर्चुअल कार्ड यूनिकार्ड के ऐप में आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो कि 1/3 या 1/2 आप जैसा बोल दो वैसा पे करते हैं, 1/3 या 1/2 ये देना कंपनी के हाथ में है, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से होता है ये, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ कि अभी मुझे वर्चुअल कार्ड मिला है या नहीं मिला है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें, मेरी केवाईसी कंप्लीट हो गई है और एलिजिबिलिटी भी मेरी हो गई है। तो अभी गेटा कार्ड 2-4 घंटे में जो है कार्ड जनरेट होकर आपको ऑटोमेटिकली इस पर भी टिक हो जाएगा, और आपको आपका वर्चुअल कार्ड आसानी के साथ मिल जाएगा। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लीज जाके जरूर चेकआउट करना। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, थैंक यू।